दोस्ताना जी गल होनी उ क्लीयर ही होनी चाहिए क्योंकि मैं खुद ही अल चलना नहीं वेख्या तो इस वास्ते हर दोस्त चाहना जरूर क्योंकि एक ऐसी मशीनरी कि तुम कोई भी नवी अगर मशीनरी गिने हो या एक नवी मशीनरी जदीद आनी तो उस जरूर चेक करो उस पर ट्रायल वेखो कि वो कैसी और उस तो बाद जरूर उस खरीदो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हैदर मिलाद मुहूर्त नहीं एक नवी वीडियो गिन के जी उस समय दोस्त और तुसना बिरा इश्तियाक हैदर बिरावनी खिदमत हाजिर है। दोस्तों अज मैं एवं जी डोडियाल ने विच मलिक इंजीनियर इस ते वर्कशॉप ते असीं आए हैं ते इन भाइयों जी इन्होंने वर्कशॉप है गुलाम शबीर साहब ने बैठे तो इतने अज आने का जो मकसद है जी वो ये कि राइपर बाइंडर इन्हें तैयार किया। दोस्त देखने पैन कि राइपर बाइंडर इन्हें तैयार किया और राइपर बाइंडर की जी खसूसियत है वो ये कि फुल कटाई करने वाला राइपर बाइंडर है यानी कि अगे जे राइपर बाइंडर उन नाटर अगे उन्हें और त्रै चार रोड़ियाँ जीडिया उसकिया त्रै चार रोड़ी भी आखने या कुछ लोग होर भी अपनी अपनी जबान है आखते हैं लेकिन वह जो राइपर बाइंडर है वह त्रै चार रोड़ियाँ छोड़ना पहले फेरे के तो हूँ जो राइपर बाइंडर इन्हें बनाया जी मुकम्मल बनाया और इसका नाटर इन्हें पिछे कर दिता। पूरी वीडियो दोस्तों ना शेयर करसा और इन भाइयों ना गल भी करसा जी कि इसकी खसूसियात की हैं ई जो इन्हें बनाया इसकी कीमत भी कितनी सारी तफसील असी की है तो रिक्वेस्ट यही करसा कि जो मेरा चैनल है अगर विलास मुहूर्त इस सबसक्राइब करो दोस्तों ना वीडियो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करनी जी और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और दोस्तों ना वीडियो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर की करो ना। दूसरी गल जी दोस्तों वही है कि वीडियो पूरी वेखी की करो ताकि हर चीज़ की हर गल जी समझ आए और फोन नंबर वगैरह सारी मालूमात क्योंकि वीडियो में होगी तो हूँ गल कर भाई अस्सलामुअलैकुम भाई ने अपना पूरा तारफ कराओ। मेरा नाम मलिक शहजाद जी जी मलिक इंजीनियरिंग डोडियाल के नाम से काम कर रहे हैं डोडियाल जी ठीक है। रीपर बाइंडर असं फ्रंट रीपर बाइंडर मैनुफैक्चर कर रहे हैं जी सही है। साढ़े को दो किस्म के मॉडल ने एक पुराना मॉडल से पिछले सत्त दिन बिलाव लैके जी जी इस वक्त ही नया मॉडल तैयार किया जी कदम की फुल कटाई करता नाकाबिल तलाफी यानी कि कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। अच्छा ये जो राइपर बाइंडर जो बनाया पहला राइपर बाइंडर तैयार होना पे आप पाकिस्तान ने जी बिल्कुल बाकी कोई भी ऐसी फर्म नहीं बनानी पी क्योंकि मैं पिछले दिन मैं एक दोस्तों में गल क्लीयर कर देना कि मैं वीडियो मुगल शबीर वाली भी बनाई और सुपर शहजाद वाली मैं वीडियो बनाई तो उन भी जो राइपर बनाने पैन दूसरा ही बनाने पैन ई राइपर बाइंडर बनाने पैन इस मुकम्मल यानी कि उन्हें तैयार नहीं किया हूँ ट्रायल मराइल च गुजराने पे तो इन्हें मुकम्मल तैयार किया है और इस दफा इन्हें मेरे ख्याल कोई 25-26 मशीन इन तैयार करने पैन इस सीजन 2023 तो इस सीजन इन तकरीबन 26-27 मशीन तैयार करने पैन तो इसी वजह तुम इसकी अपनी जो राइपर बाइंडर तैयार किया इसकी खसूसियात दसो कि इसकी कि चेंजिंग की गई तो इस चैन जो तुम दो जगह से त्रै लाए इस की फर्क है और खराबियां ये वो हर चीज़ रख मैंने दोस्तों समझाओ। मैं जी सब तो पहले तो ये फिंगर असं लैने डबल वाले जी ठीक है यह फिंगर लगे ये तले भी दस रही लगी उत्थे भी दस रही है। अच्छा इसना भाईजान की फायदा उसी सर अगर हल्की फुल्की सनी कणक भी आ जाए तो मसला प्रॉब्लम नहीं होने लगा ठीक है। कटाई हाँ जी कटाई भी बड़ी सफाई दे नाल होती है जी ठीक है बूटी शूटी निका मोड़ा समान भी आराम से सुकून कर दूसरे नंबर पर तुम गल कर चैन की असं ए चैन जो तले सब तो तले कट छोड़िया जी ठीक तो उसकी हाइट थोड़ी कट की जिसकी वजह तो ना छोटी कणक भी और अक्सर लोग स्प्रे वगैरह नहीं करते जी जी फसल गर्मी होने वो भी सारा माल चाल बाहर लिया फसा नहीं लगा। तीसरे नंबर है जो चैन ना ये अगर कोई फसल कदावर होती है या उसके अलावा गंदम के अलावा कुछ चीज और कटाई करनी है तो भी इसी तरह कटाई करके माइनिंग कर ठीक है। ये गल जी मैं मजीद दोस्तों समझा देना इस त्रै चैन दे दते हैं एक उत्ते दूसरा सेंटर इंच एक और थले इस दे देता गया इसनी फायदा ये कि छोटी गंदम इन्होंने बकोल वो भी कटाई जी उसकी भी ठीक हो सी यानी कि अगे गिन के ठीक आ सी इन्होंने गरारियों में फसी नहीं तो जी हाइट ज़्यादा गंदम है उसकी भी इस ठीक न पे सी क्योंकि इसकी जरा वाया बहुत ज़्यादा हो गया और इसकी कोई टेंशन वाली गल नहीं हो रही
अच्छा एक और भाईजान ए जेडी गरारियां जी भी तुसा चेंज कीतियां पहले जेडी गरारियां सैंपल आने है वो छोटा है छोटा सैंपल आंदे है ए जी ग्रिप ज्यादा नहीं दंद में ज्यादा अंदर चली गई अच्छा ये ज्यादा उनो होने नहीं अच्छी है अच्छी है ठीक है और दूसरा ए चैन में भी मैं कि पहले जेडी चैन आंदे है मुख्तलिफ है ये ए चैन जेड़ा ये मुख्तलिफ है जी सर ये चैन जेड़ा मैं सिर्फ डबल कीता मैं चैन भी दिखा दे रहा चैन ये ए चैन में पुराना चैन दे उसी से आम पेन लगी हुई ਇਹ ਜੀ ਡਬਲ ਪਿੰਨ ਲੱਗੀ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਗੁਰੇ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੈਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਈਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸਾਰਾ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸੇ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟਡ ਮਾਲ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿਸਾਇਲ ਹਨ ਸਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਰ ਇੰਪੋਰਟਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਡਰਮ ਇੰਪੋਰਟਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਕਰ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਗਿਰਾਰੀਆਂ ਅਡਮੀਟਰ ਸ਼ਾਫਟ ਬਟ ਮੈਂ ਸਭ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੰਟੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਨੇ ਆ ਠੀਕ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਫੀਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ क्योंकि जमींदार ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੈਵੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟਸ ਆਪਣੇ ਮਾਰਨ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਜੇ ਬਣ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਮੈਸੇਜ ਅੱਛਾ ਅਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ 10-12 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਇਸ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਅਗਸਤ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਡਿਲੀਵਰ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲੋ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਰابطਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਜੀ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ 0345970786 ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0300547-3137 ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਨੰਬਰ ਹਨ ਜੀ ਇਹਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਨੇ ਪਏ ਹੋਸਨ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੇਅਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਆਈ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਗੇਅਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੇਅਰ ਕਿਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਟ ਆਣੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਬੰਡਰ ਹੈ ਸਾਈਡ ਕਾਰਟ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੰਡਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਇਸੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 2023 ਦੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਮਾਡਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜੀ ਸਹੀ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਲਾ ਸਕੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਡ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾਇਆ ਸਹੀ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਟਰ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾ ਬਾਕੀ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ BCS ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਪਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈਨ ਦੇ ਮਾਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਗਰਾੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਗਰਾੜੀ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਚੈਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਫੜਾ ਕੇ ਚੈਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦਾ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਫਾ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਗਰਾੜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੀ ਸਹੀ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਾੜੀ ਦੀ
अच्छा मतलब ये गियर वाला हिस्सा जड़ा इसकी तुसी 5 साल गारंटी जी 5 साल गारंटी अगर खराब हो वने तो जी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जी फ्री 5 साल की अच्छा और बाकी जेडी मशीन नी एवे वारंटी वो उसकी बाकी जेडी ये ना इंपोर्टेड माल जितना भी है हां जी असि एक सीजन की गारंटी है एक सीजन जो गियर है जरा एस गियर की 5 साल की अच्छा माशाल्लाह ठीक है मैं कोशिश की थी कि सारी मालूमात दोस्तों ना शेयर करनी थी ते इस पे अलावा मजीद कोई दोस्तों ना सवाल हो तो कमेंट से या इशराद भाई ना नंबर ऑलरेडी फोन ते इस वीडियो विच दिता वा ते उ रब्ता कर सकना उन्होंने डायरेक्टली भी ते मजीद कोई अगर मैं ना भी कोई दोस्त या कोई सवाल करना चाहना तो मैं इस वीडियो में थले कमेंट्स कर दे मैं कोशिश करे सा उसका जवाब जरूर दे सा बाकी मजीद इंशाल्लाह कोशिश करे सा इस चीज़ में कोई वर्की वीडियो इसकी मैं जरूर देव क्योंकि दोस्तों जी गल होनी क्लियर ही होनी कि क्योंकि मैं खुद ही अला चलना नहीं वेख्या तो इस वास्ते हर दोस्त चाहना जरूर क्योंकि एक ऐसी मशीनरी कि तुम कोई भी नवी अगर मशीनरी गिने हो या एक नवी मशीनरी जदीद आनी तो उस जरूर चेक करो उसका ट्रायल देखो कि वो कैसी और उस तो बाद जरूर उस खरीदो बहुत सारिया चीज़ा जीडिया मैं इसी भी राइटर बाइंडर वेखिया वो बहुत अच्छी लगियां और जी इसकी बनावट है वो अच्छी लगनी पी गलत मैं इस चीज़ ना आख सकना इंशाल्लाह कामयाब जरूर हो सी कुछ छोटा मोटा अगर इसी फाल्ट होए भी सही तो इंशाल्लाह वो इस निकलने के चांसेस हैं ऐसी गल होनी लेकिन इंशाल्लाह मैं इसकी वर्किंग वीडियो जरूर दे सा और उसी भी मैं सारी गल दोस्तों शेयर करे सा हूँ इतने तुम विराम मंगना की इजाजत रिक्वेस्ट का हर यही कर सा कि जो मेरे चैनल है अगर उनका जरूरत इसमें सब्सक्राइब करो दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी जी अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।